विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और बजट सत्र से पहले आमतौर पर विधायक बैठते हैं और विधानसभा के सत्र से संबंधित चर्चा करते हैं। हमारी योजना सत्र के लिए क्या रहनी चाहिए, इन सारे विषयों पर बातचीत होती है और निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सिलसिलेवार हम विधानसभा के अंदर इस सत्र के दौरान उठाएंगे। और प्रमुख रूप से तो जिस प्रकार से अभी लगभग 3 महीने के कार्यकाल में सरकार का कामकाज रहा है, उसमें जिस प्रकार से प्रश्न खड़े हुए हैं, जिस प्रकार से परिस्थितियां पूरे प्रदेश भर में चारों तरफ बनी है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 3 प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के दौर में जो थे उनका परिणाम निकला है और तीनों जगह हमारी गठबंधन की सरकारें बन रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है और इस प्रकार से जो स्ट्रेटजी होगी तो उसको तो हम आपसे साझा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा के सत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैठक प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए हैं, डे वन से यू हैव बीन अगेंस्ट इट, क्या भारतीय जनता पार्टी या विधायक दल इसको कोर्ट में चैलेंज करेगा? देखिए, इन सारे मसलों को लेकर के बड़ा सीधा सा है कि हम लीगली ओपिनियन हमने थोड़ी ले भी ली है और थोड़ा और ज्यादा हम इसमें डिटेल में थोड़ा जाना चाह रहे हैं, जल्दबाजी में हम नहीं हैं। लेकिन अभी तक का जो हमारा आकलन है कि सीपीएस हम भी बना सकते थे, हमारे सामने भी प्रस्ताव था, लेकिन हमने नहीं बनाए क्योंकि एक नहीं अनेकों जजमेंट्स अभी तक जो आई हैं कोर्ट की, हाई कोर्ट की और यहां तक के सुप्रीम कोर्ट की, वो सारी जजमेंट जो है वो विरोध में आई है, यानी कि ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जो एक प्रोविजन किया गया है जो कैबिनेट का साइज क्या होना चाहिए, उससे हट करके एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और स्टेट ने जो इस तरह के जो ये एक्ट में अपना एक्ट बना करके जो ये किया है, प्रयास किया है इन सारी चीज़ों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर करने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि ये उस स्पिरिट के अगेंस्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसे में हमने फिर नहीं बनाए, कांग्रेस ने बनाए, मुझे मालूम नहीं उनने एग्जामिन किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हम जल्दी में नहीं है, हम विचार करेंगे सारे विषय। शिमला नगर निगम के चुनाव भी होने हैं सर, इसके मद्देनजर जो आज की बैठक है कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, चुनाव से संबंधित, शिमला नगर निगम के चुनाव से संबंधित इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पार्टी के सब साथी बैठे हैं, इस पर भी चर्चा करने की बात होगी, लेकिन ये निर्णय पार्टी के स्तर पर हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है सर, जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करनी चाहिए, हिमाचल कॉन्टेक्स्ट में काफी बोझ पड़ रहा है। देखिए, हमको जो बात करनी है वो हम करेंगे, लेकिन अब शासन चलाने की जिम्मेवारी उनकी है, वो प्रदेश के स्तर पर अपने आप क्या कर रहे हैं। जो डीजल हमने सस्ता किया था उसमें 3 रुपए वैट का बढ़ाने का काम उन्होंने किया सरकार में आने के बाद, जो महंगाई 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 इस बात को लेकर के विधानसभा के चुनाव के दौरान मुद्दा बना करके लोगों से वोट मांगते रहे, सहयोग मांगते रहे और हमारे खिलाफत में बोलते रहे, और सरकार आने के बाद 3 रुपए की सीधी इंक्रीज उनने डीजल की कीमत पर की है वैट बढ़ा करके, और उसका सीधा इम्पैक्ट गरीब लोगों पर है, इस बात को उनको समझना। और खासतौर से जब अगर यहां अगर वह महंगाई की बात कर रहे हैं तो प्रदेश सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि आप उसमें क्या करने वाले हैं।